हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। आज हम लोग सीखेंगे 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस अलजेब्रा। अलजेब्रा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीखने जा रहे हैं हम लोग। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस सेट 2.2, यस प्रैक्टिस सेट 2.2, ये फैक्टराइजेशन मेथड है। इसका प्रैक्टिस सेट 2.2 का पार्ट वन वीडियो आप तक पहुँच चुके हैं। आज मैं जो बनाने जा रहा हूँ वो आप लोग को पार्ट टू के वीडियो मिलेंगे। इसका पार्ट टू में आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 मिलेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दोस्तों, जो नए नए आप लोग यहां पे ज्वाइन हुए हो हमारे चैनल में, तो आप लोग फटाफट जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होते जाएंगे यहां से वो आप तक पहुंचते रहेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिए हुए यहां पे और इसको क्या फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, बट ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे आपको जो बॉक्स वगैरह दिया हुआ है या फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, तो उसको फिल करना है हम लोग को। यस, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे देखिए, ये स्टार्टिंग नंबर और ये लास्ट नंबर हम लोग को देखना रहता है, यस फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करने के लिए। तो ये दोनों हम लोग चेक कर रहे हैं, तो क्या दिख रहा है, यस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो क्या है ये √2 × 5√2, यस। तो √2 अंदर वाला पार्ट अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाए, मीन्स 5√4 हो जाएगा, यस मीन्स 5 × 2 आएगा, मीन्स 10। तो हम लोग को क्या करना है, 10 का ऐसा फैक्टर लेना है जो कि प्लस माइनस करने पे +7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे +10 आना चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग इसका फैक्टर ले लेते हैं, 5 × 2 = 10, दोनों को प्लस कर देंगे, मीन्स प्लस करने पे मीन्स ऐड करने पे दोनों 7 हो जाएंगे, साइन प्लस का आएगा, मीन्स +7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो +10 आ जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन प्लेस ऑफ 7x ये जो दो बॉक्स है, ये दो बॉक्स में एक में क्या आ जाएगा 5x एंड नेक्स्ट बॉक्स में 2x। ओके, तो अभी यहाँ पे अगला स्टेप हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को क्या करना रहता है, ये दो दो की पेयर लेना रहता है, यस ये दो की पेयर लेंगे और ये दो की पेयर लेंगे। तो ये दो में से हम लोग को क्या x कॉमन लिया है यहाँ पे, तो जब x कॉमन लिया है तो अंदर क्या क्या बचेगा, यस ये √2 बचेगा, पहला √2 x कॉमन है, मीन्स एक और x है यहाँ पे, तो √2x, फिर ये प्लस का साइन, फिर इसके बाद यहाँ पे देखिए x कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचा क्या, यस 5। नेक्स्ट यहाँ पे प्लस √2, तो √2 यहाँ पे कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या क्या बचेगा, यस ये जो 2 है हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 × √2, यस जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्चुअल 2 आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जो ये 2 है उसके जगह पे 2√2 आएगा, तो 1√2 हम लोग कॉमन लिए तो अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा, इसके बाद यहाँ पे x भी है तो x बचेगा, फिर प्लस यहाँ से √2 कॉमन में आ गया तो यहाँ रिमेनिंग क्या है 5। ओके, अगर सपोज आप लोग को यहाँ पे अगर डिफिकल्टीज होती तो मैं ऑलरेडी बोला भी हूँ आप लोग को, ये जो ब्रैकेट मिल रहा है वही सेम आपका नेक्स्ट ब्रैकेट भी मिलता है। ओके, तो आप लोग सेम चाहो तो सेम भी लिख सकते हो। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक ब्रैकेट क्या लिया है, ये बाहर वाला नंबर लिया है x+√2, तो ये वाला ब्रैकेट में क्या आएगा, यस √2x+5। ओके, तो आप भी यहाँ पे एक बार ये ब्रैकेट के साथ 0 लिया है, एक बार ये ब्रैकेट के साथ 0, तो ये वाला ब्रैकेट हम लोग को लिखना है क्या है, √2x+5। ओके, तो अभी यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे तो हमारा x की वैल्यू आ गया क्या −√2। अभी यहाँ पे x की वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा सॉल्व करने पड़ेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यस √2x+5 = 0,
मीन्स ये प्लस फाइव ये साइड जाएगा तो माइनस फाइव मीन्स रूट टू एक्स इक्वल टू माइनस फाइव। अभी ये रूट टू इधर से जाएगा ये साइड तो यस डिवाइड में मीन्स एक्स इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू, ये हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लेंगे, x का वैल्यू माइनस फाइव अपॉन रूट टू, माइनस फाइव अपॉन रूट टू। ओके, तो यहाँ पे x का एक वैल्यू माइनस फाइव अपॉन रूट टू आ गया और x का वैल्यू नेक्स्ट क्या है माइनस रूट टू। अभी यहाँ पे ये जो ब्रैक बॉक्स दिया है ये बॉक्स में हम लोग को क्या लिखना है माइनस फाइव अपॉन रूट टू, मीन्स माइनस फाइव अपॉन रूट टू। ओके, यही हम लोग को सॉल्व करना था, जो भी बॉक्स थे ब्लैंक स्पेस था वो सब जगह हम लोग को फिल करना था, फिल कर दिए हम लोग। स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यस, तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट क्या दिया हुआ है, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ये सबसे पहला ये दोनों नंबर हम लोग को चेक करना रहता है, थ्री टू जा सिक्स मीन्स हमको क्या करना है सिक्स का फैक्टर निकालने रहेंगे। यस, सिक्स का ऐसा फैक्टर निकालने रहेंगे कि प्लस माइनस करने पे माइनस टू रूट सिक्स आना चाहिए। यस, प्लस माइनस करने पे माइनस टू रूट सिक्स आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे ये दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स थ्री टू जा सिक्स प्लस में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे माइनस रूट सिक्स और दूसरा भी माइनस रूट सिक्स ले सकते हैं। यस, रूट सिक्स और रूट सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिक्स आता है। ओके, और दोनों को हम लोग माइनस माइनस लिए है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई करने पे, तो वही हम लोग को चाहिए प्लस सिक्स। और दोनों को अगर ऐड करते हम लोग तो माइनस रूट सिक्स माइनस रूट सिक्स क्या हो जाएंगे माइनस टू रूट सिक्स हो जाएंगे। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये थ्री एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखेंगे। यस, थ्री एक्स स्क्वायर और इन प्लेस ऑफ माइनस टू रूट सिक्स हम लोग को क्या लिखना है माइनस रूट सिक्स एक्स, फिर से माइनस रूट सिक्स एक्स, फिर इसके बाद प्लस टू इक्वल टू जीरो। ओके, अभी क्या करना है यहाँ पे हम लोग को दो दो की पेयर बनाना है। यस, दो दो की पेयर बनाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये थ्री जो है ये थ्री को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, रूट थ्री इंटू रूट थ्री। यस, ये रूट थ्री इंटू रूट थ्री अगर देखा जाए तो एक्चुअल में थ्री रहता है। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ये जो थ्री है यहाँ पे हम लोग रूट थ्री एक कॉमन ले लेंगे और एक यहाँ से एक्स आ जाएगा मीन्स रूट थ्री एक्स, तो यहाँ पे क्या बचेगा एक और रूट थ्री हमारे पास है थ्री के लिए, तो ये रूट थ्री और यहाँ से एक एक्स बचा हुआ है तो एक्स, फिर माइनस यहाँ पे हमारा रूट थ्री कॉमन आ गया है तो थ्री के टेबल में कौन से नंबर से सिक्स आता है टू जा मीन्स रूट टू आएगा। ओके, और एक्स ऑलरेडी कॉमन है तो यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, फिर यहाँ पे ये साइन माइनस का, फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यस रूट टू कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे कॉमन रूट टू, क्योंकि रूट टू लेंगे तो हमारा ये टू का भी देखना है मीन्स टू को हम लोग रूट टू इंटू रूट टू लिख सकते हैं, दैट इज एक्चुअल में टू रहता है तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे कॉमन, यस रूट टू। अगर रूट टू कॉमन लिए तो यहाँ पे बचेगा क्या, यस टू के टेबल में थ्री टाइम में सिक्स जाता है मीन्स रूट थ्री, फिर यहाँ एक्स है तो एक्स आएगा माइनस प्लस, फिर यहाँ पे देखते हम लोग यहाँ पे माइनस और यहाँ भी माइनस लेंगे तब जाके ये प्लस आएगा, इसके लिए यहाँ पे माइनस का साइन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक रूट टू बाहर आ गया टू में से, तो एक और रूट टू यहाँ पे रिमेनिंग है इक्वल टू जीरो। ओके, अभी हम लोग आगे फर्दर स्टेप में क्या करते हैं हम लोग, यस जो कॉमन है मीन्स जो दोनों ब्रैकेट में सेम है उसके साथ एक बार जीरो लेते हैं और जो बाहर नंबर है उसके साथ एक बार जीरो लेते हैं।
मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इंटू रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। यस, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार इसके साथ जीरो लगाएंगे, एक बार इसके साथ जीरो लगाएंगे, मीन्स रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इक्वल टू जीरो। अभी ये माइनस में रूट टू है, ये सर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, मीन्स रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट टू। अभी हम लोग ये रूट थ्री को यहाँ से हटाएंगे ये साइड, तो डिवाइड में चला जाएगा, मीन्स एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री। ओके, ये हमारा एक एक्स का वैल्यू मिल गया। नेक्स्ट, यहाँ पे भी माइनस रूट टू है, ये साइड जाएगा तो प्लस रूट टू, मीन्स रूट थ्री एक्स इक्वल टू रूट टू। अभी ये रूट थ्री ए साइड मल्टीप्लाई में, ए साइड जाएगा तो डिवाइड में, मीन्स एक्स इक्वल टू रूट टू अपॉन रूट थ्री। ओके, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए, आगे मैं अगला क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। यस, तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर नाइन क्या दिया हुआ है, 2m इंटू एम माइनस 24 इक्वल टू 50। तो इसको हम लोग पहले सीधा कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2m स्क्वायर फिर माइनस 24 टू जा यस 48m इक्वल टू 50। अभी ये 50 ए सेट प्लस में, ए सेट लेंगे तो माइनस में हो जाएगा, मीन्स 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इक्वल टू जीरो। यस, अभी हम लोग यहाँ पे ये जो पूरा इक्वेशन है ये सीधा तो हो गया, बट इसको हम लोग 2 देखिए, 2 से सारे नंबर डिवाइड हो रहे, तो हम लोग को इक्वेशन इजी करने के लिए, अगर आप यहाँ पे डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी चलता है, इट्स ओके, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, बट इक्वेशन और इजी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 2 से सारे नंबर को डिवाइड कर देंगे, मीन्स दिस वन इक्वेशन डिवाइडिंग बाई 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 24m माइनस 25 इक्वल टू जीरो। ओके, यहाँ पे लिखना पड़ेगा डिवाइड बाय 2। ओके, 2 से हमने डिवाइड दिया तो ये इक्वेशन ऐसा हो गया। फिर इसको हम लोग देखेंगे, ये दोनों नंबर हम लोग को देखना रहता है, यस फैक्टराइजेशन मेथड में ये दोनों नंबर को क्या करना रहता है, मल्टीप्लाई, यहाँ कुछ नहीं मीन्स 1 है, तो ये क्या हो गया 25, मीन्स 25 को हम लोग को फैक्टर निकालना पड़ेगा, किसका, 25 का, जो कि कैसा रहना चाहिए, प्लस माइनस करने पे माइनस 24m आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पे माइनस 25। ओके, मीन्स 25 और 1 हम लोग ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यस इसको हम लोग बिगर नंबर माइनस है, मीन्स माइनस में चाहिए तो बिगर नंबर माइनस में कर देंगे और स्मॉलर नंबर प्लस में, तो आपका हो जाएगा प्लस माइनस करेंगे तो माइनस 24 आ जाएगा एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 25 आएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे अगला स्टेप, यस एम स्क्वायर फिर प्लस एम लेंगे फिर माइनस 25m लेंगे माइनस ये 25 इक्वल टू जीरो। यस, हम लोग ये माइनस 24m के प्लेस पे ये वाला स्टेप लिख दिए। ओके, अभी हम लोग को क्या देखना है, दो दो की पेयर करना है। यस, दो दो की पेयर करेंगे, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे m स्क्वायर है, यहाँ पे m है, तो एक सिंगल m हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो सिंगल m कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2m है ना यहाँ पे, तो एक m यहाँ से बच गया, प्लस यहाँ से कॉमन ले लिए थे हम m, तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा। और आप लोग को मैं बोला हूँ जब कुछ भी नहीं बचता है मीन्स 1 रहता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। ओके, फिर ये साइन माइनस का, अभी यहाँ पे 25m है माइनस 25 है, तो यहाँ पे हम लोग 25 कॉमन ले सकते हैं, यस
25 कॉमन में आ गया, यहाँ पे बचा क्या m। फिर अभी ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो हम लोग को यहाँ पे भी माइनस चाहिए। अगर इसको हम लोग जो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो आपका माइनस आना चाहिए लास्ट में, तो इसके लिए यहाँ पे प्लस आ जाएगा, मीन्स प्लस ये 25 तो कॉमन में आ गया तो मीन्स 1 आएगा यहाँ पे इक्वल टू 0। अभी जो दोनों सेम ब्रैकेट है उसको वन टाइम लिखेंगे और जो बाहर वाले नंबर है उसको वन टाइम लिखेंगे, मीन्स ये क्या हो जाएगा m माइनस 25 इंटू एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी एक बार m माइनस 25 के साथ 0 और एक बार m प्लस 1 के साथ 0, मीन्स m माइनस 25 इक्वल टू 0 और m प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी इन इसको सॉल्व करेंगे, ये माइनस 25 है ये सेट जाएगा तो प्लस 25, यस मीन्स m इक्वल टू 25। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये m प्लस 1 है, ये प्लस 1 ये सेट जाएगा तो माइनस 1, मीन्स m इक्वल टू माइनस 1। ये दो हमारा ये गिवन इक्वेशन का मीन्स ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया इसका क्या आ गया, ये रूट, मीन्स हम लोग को यहाँ पे लिखना रहेगा मीन्स 25 कॉमा माइनस 1 आर द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। अभी नेक्स्ट हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यस, तो स्टूडेंट हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 25m² = 9। तो इसको हम लोग सीधा इक्वेशन कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा 25m² ये प्लस 9 है ये साइड आएगा तो माइनस 9, मीन्स माइनस 9 इक्वल टू 0। ओके, तो आप लोग को यहाँ पे दिख रहे है सिर्फ m स्क्वायर है, m वाला पार्ट नहीं है और डायरेक्ट कांस्टेंट वाला वैल्यू है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग को डरने की जरूरत नहीं है, इट्स वेरी इजी, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जो हम लोग नॉर्मल सॉल्व कर रहे थे अभी तक फैक्टराइजेशन मेथड, उससे भी बहुत ज्यादा इजी ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। सिर्फ आपको जो ट्रिक मैं दे रहा हूं वो ट्रिक आपको याद रखने हैं। वो ट्रिक क्या है, यहाँ पे आपका 25 का रूट क्या होता है, यस 5, और ये m होल ब्रैकेट स्क्वायर, फिर माइनस 9 का रूट क्या होता है, यस 9 का रूट 3, मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब भी यहाँ पे आप लोगों को कुछ दिख रहे है क्या, यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप लोग को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, यस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी, यस ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। उसी तरह इसको भी कर देना है, हमने क्या किया 25 का रूट ले लिया 5 और m और होल ब्रैकेट स्क्वायर कर दिया, माइनस की जगह पे माइनस ही लिया और ये 9 का रूट ले लिया 3 इसका स्क्वायर। ओके, तो हम लोग अभी इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, ये 5m जो है हमारा क्या हो गया a और 3 क्या हो गया b। तो चलिए हम लोग आगे अभी सॉल्व करते हैं इसको, ये क्या हो जाएगा एक बार 5m प्लस 3 इंटू 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, जो दो ब्रैकेट हम लोग को मिलता था वो दो ब्रैकेट मिल गए। अभी एक बार इसके साथ जीरो लेना है, एक बार इसके साथ जीरो लेना है, मीन्स क्या हो जाएगा ये 5m प्लस 3 इक्वल टू 0 और 5m माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, ये प्लस 3 ये सेट जाएगा तो माइनस 3, मीन्स 5m इक्वल टू माइनस 3, तो m और 5 मल्टीप्लाई में 5 ये सेट जाएगा तो डिवाइड, मीन्स m इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 5। ओके, ये हमारा एक m का वैल्यू फाइंड आउट हो गया। यस, नेक्स्ट अभी यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये माइनस 3 है ये साइड आएगा तो प्लस 3, मीन्स 5m इक्वल टू 3, अभी ये 5 इधर मल्टीप्लाई में m के साथ ये साइड आएगा तो डिवाइड में, मीन्स m इक्वल टू 3 अपॉन 5। ओके, ये हमारा
नेक्स्ट एम का वैल्यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आगे लिख देंगे देयर फोर मीन्स माइनस थ्री अपॉन फाइव कॉमा थ्री अपॉन फाइव इज द रूट ऑफ गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट ये हमारा सॉल्व हो चुका है, आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। अभी हम लोग नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यस, अभी हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया हुआ है, 7m² = 21m। ओके, तो हम लोग ये 21m को पहले ए साइड ले लेंगे, इधर प्लस में ए साइड आएगा तो माइनस में, मीन 7m² - 21m = 0। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे क्या देखना रहेगा मालूम है, अगर सपोज वहां पे हम लोग को दो ब्रैकेट मिलते थे, यहाँ पे हम लोग ये जो सिंगल है एक ही पेयर बन रहा है, तो इसका हम लोग कॉमन निकाल लेंगे। तो इसमें हम लोग को कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? यस, ये सेवन भी आएगा क्योंकि सेवन के टेबल में 21 आता है और इसमें एम स्क्वायर है, इसमें एम है, तो ये कॉमन क्या आ जाएगा, सेवन और एक एम भी आ सकता है। यस, तो यहाँ रिमेनिंग अंदर क्या बचेगा, सेवन कॉमन में आ गया, एम भी आ गया, तो एक एम यहाँ से बच गया। यस, एक एम ले लिए, फिर माइनस का साइन है, माइनस का साइन, सेवन थ्री जा 21, मीन्स यहाँ पे थ्री ले लेंगे और एम ऑलरेडी कॉमन में है तो एम नहीं लेंगे, इसके लिए टू जीरो। यस, तो यहाँ पे हम लोग को सेवन एम इंटू एम माइनस थ्री है, तो एक बार हम लोग को क्या करना है, एक बार सेवन एम के साथ जीरो लगाना है और एक बार एम माइनस थ्री के साथ जीरो लगाना है, मीन्स सेवन एम इक्वल टू जीरो और एम माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे ये जीरो है तो सेवन और एम मल्टीप्लाई में सेवन इट साइड जाएगा तो डिवाइड में, मीन्स एम इक्वल टू जीरो अपॉन सेवन, मीन्स एम की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ये m माइनस थ्री है, ये सेट जाएगा तो प्लस थ्री, मीन्स m की वैल्यू क्या आ जाएगी, थ्री। यस, तो हम लोग यहाँ पे ये जो दोनों वैल्यू मिले हैं इसको हम लोग को लिखना रहेगा स्टेटमेंट में, देयर फोर मीन्स जीरो कॉमा थ्री इज द रूट ऑफ गिवेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो ये हम लोग यहां पे क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट, अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यस, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देख रहे हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, m² - 11, सेम टू सेम जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 किए थे ना, उसी तरह ये भी होएगा। यहाँ पे m² - 11 है तो यहाँ पे तो m² हो जाएगा, ए स्क्वायर, बट यहाँ पे 11 का कोई रूट नहीं है, तो कोई रूट नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, m² एज इट इज लिखेंगे, m² फिर माइनस, इसको हम लोग √11² कर देंगे इक्वल टू जीरो। जब रूट 11 स्क्वायर हो जाएगा तो अगर इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, 11 हो जाएगा, वही हम लोग को था। मींस जब कभी भी हम अगला स्टेप सॉल्व कर सके करते तो हम लोग को एक बात ध्यान में रखना है कि जो हमारा प्रीवियस स्टेप में जो वैल्यू था उसमें कुछ चेंजेस नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने रूट 11 स्क्वायर ले लिया तो इससे हमारा इस पे कोई असर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे आप लोग को क्या हो गया, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ए के प्लेस पे एम है एंड बी के प्लेस पे रूट 11 है, तभी हम लोग को वही सेम यूज करना है, यस, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आएगा, ए प्लस बी एंड नेक्स्ट ए माइनस बी यही आएगा। अभी हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, एक बार m प्लस रूट 11 आ जाएगा एंड नेक्स्ट m माइनस
रूट 11 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी हम लोग एक बार इसके साथ 0 लगाएंगे और एक बार इसके साथ 0 लगाएंगे। ओके, तो चलिए यहां पे लिख देते हम लोग m प्लस रूट 11 इक्वल टू 0 और m माइनस रूट 11 इक्वल टू 0। ओके, तो अभी यहां पे देखते हम लोग ये प्लस रूट 11 है, ये सेट जाएगा तो माइनस रूट 11 मीन्स m इक्वल टू रूट 11 माइनस में यस, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा मीन्स m इक्वल टू माइनस रूट 11। ये एक m का वैल्यू आ गया। एंड नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइनस रूट 11 है, ये सेट आएगा तो प्लस रूट 11 मीन्स m इक्वल टू रूट 11। यहाँ पे प्लस लगेगा, इसके लिए प्लस का साइन हम लोग नहीं लगाते हैं। ओके, इस तरह से हमारा दोनों m का वैल्यू मिल गया। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख देंगे देयर फोर माइनस रूट 11 कॉमा रूट 11 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। यहाँ पे हमारा ये प्रैक्टिस सेट 2.2 कंप्लीट हो चुका है अलजेब्रा का। स्टूडेंट आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर नहीं लगा हो तो आप लोग को मालूम है क्या करना है। और एक और चीज, अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि टैलेंटेड क्लासेस में कुछ पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, ताकि वो बच्चे भी इसका फायदा उठा सके। ओके, थैंक यू।